मोबाइल के नए फोन के लॉन्च पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा और आप मीडिया वालों की बेसब्री को मैं समझ सकता हूँ। आपके सवालों का जवाब देने आ रहे हैं हमारे ग्लोबल मोबाइल के सीईओ मिस्टर करण। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं आप सबको अपनी कंपनी का वो मोबाइल देने जा रहा हूं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी आसान कर देगा। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए टेक्नोलॉजी के नए आविष्कार का, माय न्यू फोन ग्लोबल मोबाइल X4। वेलकम मैडम, आइए आइए। फंक्शन कहाँ चल रहा है? हॉल नंबर 1 में। ओके। क्या ये बात सच है कि आपका मोबाइल बाकी मोबाइल की तुलना में बेहतरीन बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस देंगे? अभी जो हमने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही एडवांस्ड है और ये हमारे फोन को एक नया करण। ये कौन है मामा जी? पता नहीं। ये तो देखिए कितनी खुश हो करण, मैं कितना परेशान हो गई थी। I'm so happy to see you. Excuse me. छोड़िए, कौन है आप? क्या बदतमीजी है? मुझे लगा तुम मुझे पहचान लोगे। और ये आप क्या लगा रखा है? मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। मुझे पता भी नहीं कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा नाम कैसे पता चलेगा मुझे? तुमने अपना एड्रेस बदल दिया, अपना फोन नंबर बदल दिया, फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। 2 साल इंतजार किया है मेरे कारण। 2 साल? Hey, no photographs. नीचे कीजिए। No camera, please. Please. अब मैं समझा, तुम्हें जरूर किसी और मोबाइल कंपनी ने भेजा है हमारे इस फंक्शन को खराब करने के लिए, राइट? क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ मैं। इतनी घटिया हरकत करने के लिए कितने पैसे मिले तुम? बस बहुत बोल दिया तुमने, हा? बहुत अपमान कर दिया तुमने मेरा। तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, राधिका। कुछ याद आया? बस बहुत हो गया, एक शब्द भी बोला ना और सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें थक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा मैं। सिक्योरिटी? धमकी किसको दे रहे हो तुम? हाँ, जिसको जाके बोलना है ना बोलो जाके। साथ फेर लिए मैंने तुम्हारे साथ, शादी की है मैंने तुमसे। इनफ, बहुत बोल लिया यार तुमने। करण बेटा शांत हो जाओ। इस रिश्ते के बीच में आप और कोई नहीं आएगा। करण रुको। दो तमाचे उन 2 सालों के लिए जो मैंने तुम्हारी यादें बिताई। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। पता है मैं कौन हूँ? पता है तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है? अपने पति से। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारा पति हूँ ना तो सबूत बताओ। अच्छा तू देते है ना सर, उतारो अपने कपड़े। What? तुम्हारी पीठ पे 2 काले तिल और ये बात तुम्हारी पत्नी के अलावा तो किसी और को नहीं बताओगी ना, उतारो। मिस्टर करण, क्या ये मैडम सच कह रहे? क्या वाकई आपकी पीठ पे तिल है? देखिए, मैं आपके बेकार के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता और मुझे अपने आप को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। गेट इट? और तुम जिसकी पत्नी हो ना, जाके उसके कपड़े उतरवाओ। जस्ट स्टॉप। करण रुको। करण, करण रुक जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उस औरत को, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने सबके सामने मुझे दो दो छापड़ मारे।
करण कुमार की इतनी बड़ी इंसल्ट जिंदगी में किसी ने नहीं की। जरा मैं भी तो सुनूं, कौन है ये औरत जिसने मेरे पति श्री करण कुमार जी का इतना बड़ा अपमान किया। देखो अनीता, मैं पहले ही बहुत बुरे मूड में हूँ, मेरे जख्म पे मरहम तो नहीं लगा सकती, कम से कम नमक तो मत छिड़को। मरहम लगाने के लिए तो कपड़े निकालने पड़ते हैं ना, जैसा कि उस औरत ने कहा था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे जैसा पति हो ना तो सोते वक्त भी आंखें खुली रखनी पड़ती है। क्या मतलब तुम्हारा? सच सच बताओ कि कौन है वो औरत? अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो फिर मैं कौन हूँ? तुमने मेरे साथ धोखा किया। एक मिनट बंद करो ये सब तुम, और अपनी इल्जामों की गाड़ी पे जरा ब्रेक लगाओ। मैं उस औरत को जानता तक नहीं, कभी मिला नहीं उससे, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोलने वाले इतने यकीन से झूठ नहीं बोलते हैं। चलो मान लिया वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, लेकिन कुछ तो कुछ गड़बड़ की होगी तुमने। सच सच बताओ कि कौन है वो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस औरत के साथ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? मैं एक वफादार पति हूँ। हाँ हाँ बताए कितने वफादार हो तुम। अगर अपने झूठ का ज्यादा ढोल बजाया ना तो केस कर दूंगी तुम पे। पता है ना अदालत बेवफाई की क्या सजा देती है? बेवफाई? मैं कोई बेवफाई नहीं कर रहा हूँ। वो औरत अपने आप को राधिका कह रही है। राधिका? राधिका क्यों? तुम्हारा जो खबरी था, जो इतना मिर्च मसाला लगा के तुम्हें इतनी सारी खबरें दे रहा था, उसने ये नहीं बताया कि औरत अपने आप को राधिका कह रही है? मगर वो राधिका कैसे हो सकती है? राधिका? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो राधिका कैसे हो सकती है? तुम ही सोचो, राधिका को मरे हुए 2 साल हो गए और वो एक मरे हुए इंसान के बारे में इतना घटिया मजाक कर रही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। डैडी ने सही कहा था कि बेटा ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हाय मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो अब एक शब्द भी और बोला ना तो तुम्हें सीधा तुम्हारे डैडी के घर भेज दूंगा मैं, समझी तुम? देखो एक मिनट, ऑफिस से फोन है, मुझे जाना होगा। हाँ मैं आ रहा हूं। करण रुको, करण सुनो, करण आइए आइए सासू माँ, चाहे मैं कितना भी चीख लूं चिल्ला लूं पर आपके बेटे के कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती है। अरे बहू मैं तो दवाई खा के सो रही थी, तुम्हारे शोर से उठ गई। तो आपको अब मेरा गम शोर लगने लगा है? पता नहीं मैंने इस घर को अपना ससुराल क्यों बनाया। हुआ क्या है? और इतने गुस्से में करण कहाँ गया? जब आपका बेटा आए ना तो खुद ही अपने बेटे से पूछ लेना कि वो औरत कौन है। औरत? कौन सी औरत? अरे कोई बताएगा मुझे कि ये घर में हो क्या रहा है? छोड़ूंगी नहीं उस आदमी को, समझता क्या है अपने आप को? मेरे रूम का कार्ड दो। होशियार समझती अपने आप को, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? मैं बचा लूंगा, तुझे कौन बचाएगा? किसने भेजा तुझे? हाँ मेरे पति के दूसरे बीवी ने भेजा है ना? तुझे पता है नकली है, इसलिए मैं हूँ। तुझे पूरे सौरे बताएंगे हम,
समझा? भागता क्या है? रुक! अबे पंकज, ये किस तरीके से रो रहा है? कम से कम रोने का तरीका तो सुरीला होना चाहिए, इतना बेसुरा नहीं। अरे मैं रो रहा हूँ, कोई रियाज नहीं कर रहा हूँ जो मुझे सुर ताल और ये सब दिखा रहे हो। देख, मैंने तुझे पहले ही कहा था मुझे कस के पकड़ना, तेरी लापरवाही की वजह से हम लोग ये गाड़ी से गिरे हैं, समझे? मेरी लापरवाही। खुद को बाइक चलाने आती नहीं है, मुझे गिरा दिया, मेरी टांग तोड़ दी और बोल रहे मेरी लापरवाही। कुछ नहीं हुआ तेरे टांग को, मैं आपको बता रहा हूँ, आज का दिन मेरा बहुत खराब जा रहा है, बहुत मेलूस दिन है, आप भी मुझे पिकअप करने आ गए। सर आज का दिन बहुत खराब है सर, आज बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, एक खतरनाक केस वेट कर रहा है ब्यूरो में। ओके मैडम, आपकी हिम्मत की तारीफ करनी होगी, आप उस मुजरिम से बिल्कुल डरी नहीं और डट के सामना किया उसका। सर पुलिस रिकॉर्ड में आपको कुछ भी मिला उसके बारे में? जी नहीं, उसने इससे पहले कोई जुर्म नहीं किया था और इसीलिए उस तक पहुंचने के लिए हमें आपसे कुछ सवाल करने होंगे। जी पूछिए। आप उसके बारे में कुछ और बता सकती हैं? नहीं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बल्कि मैंने वो होटल वालों से भी पूछा था, उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। अच्छा, आपको किसी पे शक है? एक ही तो इंसान है जिसको मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी मौत प्यारी है। कौन? वही मेरा पति करण। आपका पति? आपको पता है कितने सारे लोगों के बीच में उसने मेरी इंसल्ट की, उसने तो मुझे अपने बीवी मानने से भी इनकार कर दिया। पर आपको पता है सर, इसी बात का ना बदला लेने के लिए उसने वो गुंडा भेजा था मेरा गला दबाने के लिए। एक मिनट मैम, शुरू से बताइए कि ये आपके और आपके पति के बीच में तनाव किस वजह से है? आप मेरे साथ करण के घर पर चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। नहीं राधिका, जब तक हम ना बुलाएं तुम गाड़ी में बैठे। मगर क्यों? प्लीज राधिका जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको जल्दी ही अंदर बुलाएंगे। ठीक है, बैठती हूँ। जी आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? अंदर आइए प्लीज, आइए बैठिए। ये आप लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं क्या? नहीं, हम बस बाहर से आए थे, मगर बात क्या है? आपकी तारीफ? जी ये मेरे मामा हैं, जतिन मामा, और मैं करण कुमार, इस घर का मालिक। क्या बात है ऑफिसर, आप लोग यहाँ ऐसे? मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, देखिए हम लोग सिर्फ आपकी बीवी से कुछ पूछताछ करते हैं। मेरी बीवी? वो तो ऊपर है। ऊपर है? वो तो नहीं, हम उनसे ऊपर ही चल के मिल लेते हैं, आपकी श्रीमती जी से। आखिर बात क्या है ऑफिसर, अनीता ने आप लोगों को बुलाया? वो भी पता चल जाएगा, आइए आइए। अनीता, अनीता कहाँ चली गई? बाथरूम में पानी भरने की आवाज आ रही है। हाँ इस वक्त उसके नहाने का समय होता है। अनीता जी, अनीता जी, सर दरवाजा खुला है। अनीता जी, सर, अनीता जी, अनीता जी, अनीता, अनीता क्या हुआ? तरी तो मार चुकी है। अनीता, 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 एक मिनट, करण आप संभालिए प्लीज। अनीता को क्या हुआ? मेरे ले जाओ। करण जी, अनीता, करण जी आप मेरे साथ बाहर चलिए प्लीज। अनीता, आइए आइए, अनीता। देखो मैं सुराग मिलता है क्या? यस। भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तेरी अनीता को मुझसे छीन लिया। करण बेटा संभालो अपने आप को। ये सुधा कहाँ गई? सुधा? सुधा जी का कमरा कहाँ है? वो रहा। बढ़िया, सुधा जी को बाहर लेके आओ। नहीं आप बैठिए, माफ कीजिएगा मगर हमें आप लोगों से कुछ सवाल करने होंगे। सर ये बताइए। हाँ सर, वो सुधा जी क्या क्या हुआ माँ को? क्या हुआ माँ को? माँ, माँ, माँ,
माँ। सुधा। माँ, 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 आंखें खोलो। कहीं माँ भी? हाँ। नहीं, जिंदा है। नब्ज धीमी चल रही है। बेटी, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। माँ। सचिन। माँ आंखें खोलो माँ, माँ, माँ आंखें खोलो। इन दोनों का कहना है कि ये अभी-अभी घर आए हैं। पता लगाना होगा कि सच्चाई क्या है। दोनों को अलग अलग ले जाके पूछताछ करनी होगी। नाक और कान में खून है। शरीर पे कोई चाकू या कोई हथियार के निशान नहीं। मुझे लगता है नहाने से पहले इसने कुछ खाया पिया होगा और किसी ने इसके खाने में ही कुछ मिला दिया होगा। हाँ, कि बाथरूम में सब सामान जगह पर है, हाथापाई या मारामारी का कोई निशान नहीं। वही तो। मैम, अनीता की बॉडी पे कोई टैल्कम पाउडर लगा हुआ है क्या? नहीं तो, इनफैक्ट पूरे बाथरूम में कहीं कोई टैल्कम पाउडर नहीं है। तो ये क्या है? कहीं अनीता की मौत का इस पाउडर से लेना देना तुम्हें? सर, सर मैं भी अपनी माँ के साथ अस्पताल जाना चाहता हूँ सर। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, प्लीज सब मुझे जाने दीजिए। घबराइए नहीं, हमारा एक ऑफिसर गया आपकी माँ के साथ उनका ध्यान रखने के लिए, और एक बार ये तहकीकात पूरी हो जाए हमारी उसके बाद आप भी जा सकते हैं हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने। सर आपको जो भी पूछना है आप पूछिए सर। यहाँ आपके घर में चार लोग थे, अनीता जी का खून हो गया, आपकी माँ बेहोश पड़ी थी, तो अब बचे दो, आप और आपके मामा जी। आप हम दोनों पे शक कर रहे हैं? क्या करें, हम CID वालों का काम ही कुछ ऐसा होता है, शुरुआत शक की बुनियाद से ही होती है। आप हम पर शक कर रहे हैं सर? हमारे घर में इतने सारे नौकर भी तो हैं, मेरा मतलब थे। ए? आज दोपहर को माँ ने सारे नौकरों को पनवेल भेज दिया सर, हमारे फार्म हाउस पे, वहाँ पे रेनोवेशन चल रही है, लेकिन अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। आज ही नौकर को बाहर भेजा और आज ही ये सब कुछ हो गया, ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। आपने आखिरी बार अनीता को जिंदा कब देखा था? आज दोपहर को 1 बजे सर, उसके बाद मैं ऑफिस चला गया और फिर मामा जी के साथ वकील गया। करण ने मुझे 1:30 बजे संगानेर रोड से पिकअप किया, वहां से हम वकील के पास गए। और इस बीच आप दोनों की अनीता जी या सुधा जी से कोई बात हुई थी? नहीं, कोई बात नहीं, कोई फोन भी नहीं आया। वकील के साथ मीटिंग करने के बाद हम 4 बजे तक घर लौट आए। और घर का दरवाजा किसने खोला? मैंने आपको कहा ना, घर में सबके पास एक एक चाबी है घर की, मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और मैं और मामा जी घर में आ गए। हमें 5 मिनट भी नहीं हुए थे बैठे हुए कि घर की घंटी बजी और देखा कि आप लोग आ गए सर। और इस बीच आपने जाके देखा नहीं कि आपकी माँ और आपकी बीवी अनीता कहाँ है? सुधा दीदी रोज दोपहर से शाम दवाई खा के सो जाती थी, मगर हाँ घर लौटने के बाद करण ऊपर जरूर गया था। क्या क्या कहा? करण ऊपर गया था? जी। सर सचिन जी का कहना है कि करण आते ही सबसे पहले ऊपर सीढ़ियों पे गया था। अच्छा, तो आपने मरने से पहले अपने बीवी को देखा होगा? जी नहीं। नहीं तो मामा जी झूठ बोल रहे? नहीं तो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था ना, मैं ऊपर जा रहा था लेकिन कमरे तक पहुंचने से पहले मेरा फोन बजने लगा, ऊपर नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए मैं वापस नीचे आ गया। पता नहीं क्यों चाहकर भी हमें यकीन नहीं हो रहा आप दोनों के बयान पर, ऐसे लग रहा है कि हम लोग कोई कहानी सुन रहे हैं, एक मनगढ़ंत रची हुई कहानी। अरे सर प्लीज, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और हमें हमदर्दी दिखाने के बजाय आप हम पे शक कर रहे हैं। हमदर्दी से ज्यादा जरूरी हमारे लिए अनीता को इंसाफ दिलाना है, उसके खूनी को फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। आप उस मुजरिम को पकड़िए सर, क्या पता कल को वो मामा जी या मुझे मार दे। सर, सर ऊपर बाथरूम में ये हरा पाउडर मिला, इसके अलावा और कोई खास सबूत हाथ नहीं आया है। आप कुछ बता सकते हैं इस पाउडर के बारे में? क्या है ये? नहीं सर, इससे पहले इस पाउडर को मैंने बाथरूम में कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, हम पता कर लेंगे। पंकज, टेस्टिंग के लिए भेज दो। सर मैं भी हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ सर, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे अपनी माँ से मिलना है सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर जाने दीजिए इसे। अभी नहीं। लेकिन क्यों नहीं? आपके आपके सारे सवाल तो खत्म हो गए ना, सिवाय एक के, और उस सवाल का नाम है राधिका। अरे ये तो वही लड़की है। ये वही है जिसने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की?
तुम्हारे जैसे आदमी को दोने 200 थप्पड़ पड़ने चाहिए। गुंडा भेजा था ना तुमने मेरा गला दबाने के लिए? क्या बकवास कर रही हो तुम? सर मुझे लगता है यही वो है जिसने अनीता को मारा है। अब इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं अनीता को क्यों मारूंगी? हाँ मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ और तुम्हें पाने के लिए मुझे गुनाह करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, शांत हो जाइए। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ अभी पता चल जाएगा। करण पहले तुम बोलो। ये मेरी बीवी राधिका नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी राधिका वो है वहां जो उस तस्वीर में। सर हाथ से 2 साल पहले एक हादसे में राधिका गुजर गई, ये भला मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? सर ये झूठ बोल रही है, ढोंग कर रही है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है ना सब गलत हो रहा है। तेरी अनीता गुजर गई, मेरी माँ अस्पताल चली गई और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में CID आई है। तुम्हारी बीवी अनीता को मैंने नहीं मारा है और सासू माँ भी मेरी वजह से अस्पताल नहीं गई है, समझे तुम? क्या सासू माँ? सर जस्ट लुक एट हर, कितना झूठ बोल रही है। एक मिनट करें मैम, फोटो में जो ये लड़की है उसका चेहरा और आपका तो बिल्कुल अलग, कोई मेल नहीं खाता, जमीन आसमान का फर्क। सर आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं साबित कर दूंगी कि ये फोटो वाली लड़की मैं ही हूँ। ठीक है साबित कीजिए। करण तुम और मैं 2013 जुलाई में जयगढ़ गए थे ट्रैकिंग के लिए। तुम और मैं नहीं गए थे, मैं और मेरी पत्नी राधिका गए थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उस वक्त एक हादसा हुआ था, एक लड़की की मौत हो गई थी पहाड़ से नीचे गिर के। वो लड़की मैं थी, राधिका तुम्हारी बीवी। तुम? मैं पहाड़ से नीचे गिर गई थी, तुमने तो मुझे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की थी। ढूंढा था, करण ने खुद मुझे बताया था। जी इन्होंने बोला और आपने मान लिया। सर मैंने अपनी पत्नी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, दिन रात कोशिश की, लेकिन मुझे उसकी लाश तक नहीं मिली। कैसे मिलती तुम्हें उसकी लाश? हाँ मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। सर ये फिर से झूठ बोल रही है। सर एक मिनट, जब आप पहाड़ से गिरी तो फिर तो बच कैसे गई? क्योंकि कुछ सांसें बची थी मेरे अंदर। आपको पता है 2 साल लगे थे मेरी हड्डियां छोड़ने में, पूरा चेहरा खराब हो गया था मेरा। वो तो शुक्र है डॉक्टर पुनीत का जिन्होंने मुझे नया चेहरा दिया। लेकिन शादी को देखिए, अभी तक मारने को तैयार नहीं कि मैं इसकी बीवी हूँ। सर झूठ बोल रही है, ये बेकार की कहानियां बना रही है, ढोंग कर रही है। क्यों झूठ बोल रही हो? क्या करूं मैं? कहां किसके दिखाऊं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? तुम्हें जो करना जाके करो, जिससे पता करना जाके करो। मैं क्यों करूं? सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है वो भी सामने आ जाएगा। होशियारी और बेवकूफी का एक अजीब सा संयोग। कालू के साहब आप इतने उलझे क्यों लग रहे? आपको तो खुश होना चाहिए, इस बार हमने जो तगड़ा सबूत दिया है आपको वो पाउडर। अगर वो पाउडर आप लोग नहीं भेजते ना तो भी मैं अपना काम चला लेता। कैसे बताता? एक आमिर साहब ये देखो, ठीक वैसा ही हरा रंग जैसे हरे रंग का पाउडर आप लोगों को मिला। ये एक किस्म की केमिकल है, ये एक किस्म का ब्लीच है, सल्फा क्रोमोटोज, जो कि अधिकतर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है। मतलब सर ये केमिकल अनीता के नहाने के पानी में था? बिल्कुल। और ये कितना खतरनाक केमिकल है इसका असर तुम लोग देख ही चुके। जैसे जैसे ये ज्यादा मात्रा में इंसान के टच में आता है इंसान की हालत खराब होती जाती है, उसकी नसें उसकी ब्लड वेसल्स इतनी फूल जाती हैं कि फट जाती हैं और उसी की वजह से मौत हो जाती है। सर बाथरूम में कोई बकेट तो नहीं थी, यानी वो जहरीला पानी शावर से ही आया होगा ना? लगता तो ऐसे ही है, दोबारा जाके वहाँ पे वो शावर चेक करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि करण की माँ सुधा जी उन्हें भी इसी तरह के केमिकल से बेहोश किया गया था? हाँ दया था तो केमिकल ही, लेकिन ये केमिकल नहीं था, वो केमिकल था मैथनॉल। आप बता दो। देख रहे हो ये लाल निशान उस मैथनॉल के रेसिड्यू। ये किस तरह का केमिकल? ये केमिकल इंसान को पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज कर देता। मतलब खूनी सुधा जी को मारना नहीं चाहता था, उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बनाना चाहता था। लगता तो ऐसा ही, कोई आपसी दुश्मनी का मामला लगता है सर। एक को मार दिया और एक को जिंदा लाश बना दिया। क्या
अनीता जिस पानी से नहा रही थी उसमें जहर था, इसलिए अनीता के मौत के बाद इस बाथरूम के और टंकी के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन हम सब इसी टंकी के पानी से नहाए थे, फिर हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। सर मुझे तो नौकरों पे शक है। हम तो पनवेल वाले फार्म हाउस पर थे, और हम क्यों मिलाएंगे मेम साहब के नहाने के पानी में सर? और ये पानी हमारे बाथरूम में भी आता है। ठीक है, आप सब लोग यही रहिए। उस जहरीले पानी का असर सिर्फ अनीता पे क्यों हुआ और बाकी किसी पे क्यों नहीं हुआ वो अभी पता चल जाएगा। पंकज शावर को खोलो। अगर जहर पानी में है तो उस केमिकल के अवशेष इसमें जरूर मिलेंगे। जहर है, पानी की टंकी में ही जहर है, यहां पर नहीं डाला गया। चलो ऊपर, जवाब चाहिए ना आपको? चलिए ऊपर। सर ये पानी की टंकी में जहर क्यों होगा? अगर इसमें जहर होता तो हम सब जिंदा कैसे हैं? सकता है आप लोग कई दिनों से नहाए नहीं हो। फॉरेंसिक किट लाए हो? सर वो नीचे लिख लिया। यस सर। इस पानी की टंकी तक कोई घर वाला ही आ जा सकता है ना? हाँ, घर का कोई सदस्य या नौकर? सर हम में से ऐसा कोई क्यों करेगा? अब ये काम तो किसी बाहर वाले का हो नहीं सकता। बाहर वाला कोई भी इतनी आसानी से आपके घर के पानी की टंकी तक कैसे पहुंचेगा? क्यों नहीं पहुंच सकता? पिछले हफ्ते एक प्लम्बर भी तो आया था यहाँ। इंटरेस्टिंग, पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस जहरीले पानी का असर सिर्फ अनीता पे इसलिए हुआ क्योंकि खूनी ने वो जहर पानी में उस वक्त मिलाया जब अनीता नहाने के लिए गई। हाँ सर, ऐसा हो सकता है क्योंकि घर पे सबको पता था कि अनीता किस वक्त नहाने जाती है। थैली यहां कैसे? इस करो से। सर पानी में जहर है। क्या पानी में जहर है? क्या कहा आपने? एक हफ्ते पहले प्लम्बर आया था जी, लगता उसी दौरान ये सब हुआ है। किसी ने वो जहर इस प्लास्टिक में डालकर यहां पे रख दिया था और उसे तंगूस से बांध के नीचे कनेक्ट किया था, और जैसे ही अनीता बाथरूम में गई नहाने के लिए उसने तंगूस को खींचा, प्लास्टिक के अंदर जो जहर था वो पानी में घुल गया और अनीता की मौत हो गई। लेकिन सर घर के किस सदस्य का काम है ये, कैसे पता चलेगा? अरे अगर किसी ने तंगूस यहां से खींचा है तो जरूर आसपास किसी ना किसी ने तो देखा होगा कुछ। आसपास लोगों से पूछते हैं, आसपास किसी ऐसे आदमी से पूछना होगा जो घंटों एक ही जगह पे बैठा रहता है, जैसे कोई दुकानदार, फेरी वाला, कोई बिल्डिंग का वॉचमैन। सुनिए भाई साहब वो आइए आइए बहन जी, एकदम ताजी सब्जी है, कौन सी दूं? नहीं नहीं मुझे सब्जी नहीं लेनी है, मैं सीआईडी से हमें आपसे कुछ सवाल करने। सवाल कौन से मैडम? सवाल
तो आप रोज बैठते हो यहाँ पे सब्जी बेचने? पिछले दो साल से हम यहाँ दुकान लगा रहे हैं साहब। तो पिछले दो साल से आप ये सामने वाला घर भी देख रहे होंगे? हाँ साहब। परसों दोपहर को 1 से 3 बजे के बीच में तुमने किसी आदमी को देखा था उस घर के आसपास? वैसा आदमी जिसपे तुम्हें शक हुआ हो तो उस घर के आसपास बहुत देर से खड़ा हो? परसों साहब, हाँ, वो घर का जो नौकर है ना साहब, वो घर के बाहर बहुत देर तक खड़ा रहा साहब। वो दीवार से सट के किसी को फोन कर रहा था। हाँ। सामने आएगा तो पहचान लोगे ना? पहचान लेंगे। गुड। मगर सर, तो मालूम है ना क्या करता है? हाँ सर, आज वो घर पे कपड़े धोने का टर्न मेरा है और जूनियर को मेरे कुत्ते को खाना भी खिलाना था और एक और एक काम था सर वो। यार पंकज, तुम हमेशा से इतने इंटेलिजेंट थे क्या? मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। अरे सर सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर। तो जाके उस घर से नौकरों को ले आओ और हाँ, उन्हें क्या कहना है पता है ना कि वो भी मुझे समझाना पड़ेगा। नहीं सर पता है सर, मैं अभी लेके आता सर। इसे अकेले क्यों भेज दिया? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये। अच्छा, मोटरबाइक की एक्सीडेंट जैसी गड़बड़? आपको पता चल गया? सीआईडी में हूँ, बाहर की खबर रखने से पहले अंदर क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी। इसमें मेरी गलती नहीं थी, पंकज की थी। रेडी, अभी शिकायत विकायत करना बंद करो। अच्छा पंडित, वो भाजी वाला देख रहे हो? वो वहाँ? हाँ, जिसने आपके पीवी के नहाने के पानी में जहर डाला है वो उसे पहचानता है। क्या? चलो जल्दी इधर आओ। जरा पहचान, कौन है इनमें से? हाँ साहब, यही वो आदमी था साहब। तुम? अरे अरे, मुझे क्यों फंसा रहे हो? तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। ए, कौनो धोखा नहीं हुआ साहब। नहीं साहब, मैं सही कह रहा हूँ साहब। सब मैं सच कह रहा हूँ साहब। देख प्रीतम, हम जानते हैं कि तूने खुद ये सब नहीं किया, मगर तूने किसी के कहने पे जरूर किया है। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो शायद फंस जाओगे, है ना? बोल। बबलू? हाँ? बबलू प्लम्बर साहब, उसने 20,000 रुपए दिए थे। मैंने तो साहब तार खींच के केमिकल मिलाया था साहब, अनिता मैडम के नहाने के टाइम पर साहब, और कुछ नहीं साहब। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। 20,000 रुपए के लिए ईमान बेच दिया तुमने? गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। मुझे सजा कानून देगा। अब ये बता, वो प्लम्बर बबलू कहाँ मिलेगा? नमस्ते। नमस्ते। बबलू है क्या? आप लोग बाद में आना, बबलू अभी घर पर नहीं है। कहाँ गया बबलू? काम पे गए हैं। आप अपना नंबर दे दीजिए, वो आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। नंबर जी, गर्मी बहुत है, एक ग्लास पानी मिल सकता है? अभी लाई जी। ठीक है, बबलू के प्लम्बिंग का सामान कहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये औरत हमसे झूठ बोल रही है। थैंक यू। थैंक्स। चलते। पर आपने अपना नंबर नहीं दिया। हम लोग फिर आ जाएंगे। जी। थैंक यू। कितना गर्मी है इधर। ओ गॉड, किधर आ गई मैं? मुझे लग रहा है चक्कर आने वाला है मुझे। ओ गॉड। अरे भाई साहब सुनिए, ये बैबलू किधर रहता है? बैबलू प्लम्बर इधर रहता है। इधर? ओके थैंक यू। बैबलू, बैबलू बाहर आ जाओ। देखो बाहर आ जाओ, वरना मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा कि तुमने मेरा बेल्जियम का पाइप और जापान का नल का चोरी किया है। बैबलू, बैबलू। आप कौन हो मेम साहब, और इस तरह से शोर क्यों मचा रहे हो? अरे कैसे शोर नहीं मचाएगा, मेरे घर में बबलू ने डाका डाला है, डाका रॉबरी किया है, 1.5 लाख का पाइप चोरी किया है मेरे इटालियन मार्बल वाला बाथरूम से, एंड 2 लाख का जापान का नल का चोरी किया है। 2 लाख का नल का? इन अमीरों के पास कितने फालतू पैसे होते उड़ाने के लिए। देखो मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो बबलू, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। मैडम मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने जापान का नलका देखा ही नहीं तो उसे चुराऊंगा कैसे? अब तो जापान के नलके की छोड़ और जेल के नलके की सोच। सीआईडी वालों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया। क्या करे, कभी कभी चूहों को बिल से निकालने के लिए सीआईडी को ऐसी चालबाजियां करनी पड़ती, समझा? अब बोल, अनीता को जहर क्यों दिया? जहर? पाउडर में जहर था।
मुझे वाकई नहीं पता था। तुझे क्या लगा पानी के कीड़े मारने की दवा है वो? पता नहीं साहब, मैंने इतना सोचा ही नहीं था। 50,000 रुपए मिल रहे थे, मैंने बिना दिमाग लगाए चुपचाप काम कर दिया। किसने दिए 50,000 रुपए तुझे? मुझे नहीं पता, एक फोन आया था होटल से। कौन से होटल से फोन आया था? Excuse me, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. हमारे होटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे वाह, इतने प्यार से हमारा स्वागत किया। जनरली सीआईडी को देख के तो लोग मायूस हो जाते हैं। सीआईडी? क्या बात है सर? इसे पहचानती हैं आप? नहीं पहचानती। क्या बात है, मतलब आपने कभी देखा ही नहीं है? याद तो नहीं आ रहा है। ठीक है, हम आपको याद दिला देते हैं। बबलू नाम है इसका। पिछले हफ्ते यहाँ इस होटल से एक पैकेट लेने आया था, आप ही के होटल में किसी गेस्ट से। कौन सा गेस्ट था सर? अगर ये सब कुछ हमें पता होता तो यहाँ क्यों आते? एक्चुअली यहाँ हर रोज बहुत गेस्ट आते हैं, और पिछले हफ्ते यहाँ कौन कौन रुका था ये कैसे याद रहेगा? ये बात तो है, पर आपके पास कोई रजिस्टर, कोई रिकॉर्ड्स के लिए आपके मेहमानों के या जो लोग उनसे मिलने आते हैं रखते होंगे ना? तो आप जरा उसमें चेक कीजिए और बताइए ये बबलू किससे मिलने आया था। हाँ सर, मैं चेक कर लेती हूँ। प्लीज। हाँ सर, मिल गया। ये 25 सितंबर की बात है, यहाँ 209 के जो गेस्ट थे उन्होंने बबलू के लिए पार्सल छोड़ा था रिसेप्शन पे। और चेकआउट कब कर गया वो? अब तक तो नहीं किया सर। मतलब वो अभी कमरे में है? नहीं, एक्चुअली मैंने उन्हें होटल के कॉफी शॉप में जाते हुए देखा था। नाम क्या आपके इस गेस्ट का? जरा देखो कहाँ है वो। ये देखिए सर, ये रहा। मिस्टर करण, आप यहाँ? ये सवाल तो मैं भी आप लोगों से पूछ सकता हूँ। हाँ, ये बात तो है, ये सवाल आप भी कर सकते हैं, मगर चूंकि सवाल हमने पहले किया है तो आप छाप दीजिए। वो मुझे यहाँ का ऑमलेट और कॉफी बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ी पेट पूजा करने आ गया था। अरे वाह, तुम मेरे लिए भी बोल दीजिए सर, मेरे पेट में चूहे तोड़ रहे हैं। तुम्हारे चूहे को कह दो कुछ देर के लिए इंतजार करें, क्योंकि हम यहाँ जिस खास शख्स से मिलने आए हैं पहले उससे तुम मिलने। खास शख्स कौन है? हाँ मिला दो। नमस्ते, कैसी हैं आप लोग यहाँ? हाँ नमस्ते, इनसे भी कहिए, करण जी हैं। सर आप क्यों मुझे फंसा रहे हैं? मैं बस यहाँ सेटलमेंट करने आया था। अभी तो आप कह रहे थे कि आप ऑमलेट खाने आए। ऑमलेट तो बस एक बहाना था। सबसे पहले ये मेरी पत्नी राधिका है ही नहीं, तो मैं चाहता था कि कुछ पैसे देकर मामले को यहीं रफा दफा कर दूं बस। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है कोई नहीं की मेहरबानी है। सो मेरी जिस जयगढ़ इलाके में आपकी राधिका का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के सभी प्लास्टिक सर्जन से बात हो गई है हमारी। के सच कह रही, यही तुम्हारी असली बीवी है? I can't believe it. यकीन हुआ तुम्हें कि मैं ही राधिका? यकीन तो हमें भी हो गया कि अनीता का खून, हमारे पास मदद के लिए आने का वो ड्रामा और सुधा जी के ऊपर हमला, ये सब तुम्हारी दिमाग की उपज है। सर मैंने ये सब नहीं किया सर, आपको कोई कोई गलत फहमी होगी सर। वैसे हम अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। राधिका? क्या हुआ? राधिका? 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 सर? राधिका? ओह नो, तेरे पानी में जहर। बेटा, किसने दिया? सर, वो उधर गया। पता है, एम्बुलेंस को फोन करो। राधिका? राधिका? हेलो, एम्बुलेंस? और कहाँ हो गया? जाने दो मुझे। हाँ? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दे। अम्मा जी आप? तुझे छोड़ दे। हाँ? अब बोल, क्यों किया तूने ये सब? 2 साल पहले मैंने करण को राजी किया था कि वो राधिका को पहाड़ से धक्का दे दे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, दिमाग खराब हो गया था जो मैंने आपकी बात सुन ली। आगे बताओ, सुधा जी के इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो ना? सुधा के खाने में मैंने ही गड़बड़ की थी। और राधिका जब पहाड़ से नीचे गिरने के बाद भी नहीं मरी तो तुमने इसके दिमाग में जहर खोला। हाँ, राधिका को मोहरा बना के करण और सुधा के खिलाफ इस्तेमाल किया मैंने, और राधिका के नाम से ही बबलू के हाथों
अनीता की पानी की टंकी में जहर मिलवाया था मैंने। ये भी बता दो कि ये सब नेक काम तुमने किस लिए किए? बदला लेना चाहता था मैं। किससे? अपनी चचेरी बहन सुधा से। 1000 लालची आदमी मरे होंगे तब जाके सुधा का जन्म हुआ होगा। शुरू से ही उसकी नजर मेरे पैसों पर थी। मेरे भोले भाले माँ बाप को बेवकूफ बनाकर उसने हमारी पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया था उसने मुझे। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बच्चे को भी अस्पताल में मार दिया था उसने ताकि सब कुछ करण का ही बना रहे। माना कि सुधा ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, अगर उसके लिए तुमने जो रास्ता चुना है वो भी सही नहीं है। बदले की भावना ने मेरे जमीर को अंधा बना दिया था। मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद था, इस परिवार का नामो निशान मिटा देना। मामा जी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आपके दिल में इतना जहर होगा। जब दिल में जहर भरा होता है तो उसका अंजाम भी जहरीला ही होता है। सुधा ने जो किया उसकी सजा तो तुमने उसे दे दी, अब करण और तुम्हारा इंसाफ अदालत करेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.